गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल पी कॉर्नर। सो गाइस, आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से हम सिंपल साड़ी के ऊपर सिंपल सा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ना अभी फेस्टिवल आ रहे हैं तो फेस्टिवल के लिए बहुत सारे मेकअप लुक मैं आपके लिए क्रिएट यहाँ पे कर रही हूँ। तो चलो फिर गाइस, इस मेकअप लुक को हम देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो मेकअप करने से पहले 10 मिनट पहले मैं अपना स्किन केयर है वो ऑलरेडी मैंने डन किया है, क्योंकि स्किन केयर डन होने के लिए मैं 10 मिनट में रुकती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना मेकअप जो है वो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे लगाना है स्विस ब्यूटी का एक इल्यूमिनेटर प्राइमर। तो आपके पास प्राइमर ये वाला होना ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी प्राइमर आपके पास अवेलेबल है आप वो ले सकते हो। तो कोई भी प्रोडक्ट की लिंक वगैरह मैं नहीं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि जो भी आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है उससे भी आप ये वाला मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। यही वाले प्रोडक्ट चाहिए ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बेसिकली ये जो इल्यूमिनेटिंग क्रीम है ना, मैं इसलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि आपने देखा होगा जो भी फेस्टिव लुक है, थोड़े से ऐसे लगता है कि फेस्टिवल है या फिर थोड़े से चमकीले होने चाहिए, ग्लोविंग होनी चाहिए, तो इसलिए मैं ये वाला जो इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है वो इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये ब्लू हेवन की जो कंसीलर है वो लिया है, और जहाँ जहाँ हमें कंसील करना होता है वहाँ वहाँ मैं लगा के इसे अच्छे तरह से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद ही NYB की स्टिक आती है जो कॉन्टोर स्टिक है। बेसिकली इसमें बहुत सारे शेड्स होते हैं, आप एज ए कंसीलर, एज ए फाउंडेशन, एज ए कॉन्टोर यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने ये वाला शेड लिया है और अपना जो कॉन्टोर है मैंने स्टार्ट कर लिया। कॉन्टोर करने के बाद आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। अपना जितना अच्छा ब्लेंड करोगे ना, उतना अच्छा वो आपका फेस है वो शेप में दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ये लैक्मे की जो फाउंडेशन है वो। तो सबसे पहली बात बता देती हूँ, ये वाला फाउंडेशन बहुत अच्छा फाउंडेशन है, अफोर्डेबल है, बिगिनर्स फ्रेंडली है, उसके साथ साथ आप हाथ से भी लगा सकते हो। अगर आप इसका शेड ना, मेरा शेड आप देख सकते हो, मेरा शेड थोड़ा सा इसमें डार्क आया है लेकिन थोड़ा मुझे लाइट लगता है, लेकिन फिर भी ये चल जाता है। और इसका जो लुक है ना वो सडनली बहुत देर तक दिखता है, उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस, उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा अपने स्किन को, मतलब ऐसा लगता नहीं कि मेकअप किया है, ये मेरी स्किन ही है ऐसे ही आपको लगेगा। तो ये सारा जो बेस है ना उसे सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ ये ब्लू हेवन की कॉम्पैक्ट पाउडर। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि नायका हॉल में मैं आपके साथ शेयर किया है, मेरे पास कॉम्पैक्ट ऑलमोस्ट सारे ख़त्म हो चुके थे तो इसलिए मैंने कॉम्पैक्ट मंगाई। तो आप बोलेंगे सारे वीडियो में यही क्यों दिखाती है, तो मेरे पास ना सारे कॉम्पैक्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके, तो मैंने सोचा कि ये आप सब में शेयर करती हूँ। तो कॉम्पैक्ट होने के बाद ना, फेस मेकअप होने के बाद हम आते हैं हमारे आई मेकअप के पास। तो आई मेकअप कुछ ज़्यादा नहीं करना है, मेरे पास ये हेटेड विद लव का पैलेट है, उसमें से मैंने ब्राउन कलर पिक किया है। वो आपको बस पीछे की तरफ से आते हुए आगे की तरफ आपको अच्छे से ब्रश से ब्लेंड करते रहना है, धीरे धीरे करना है, कुछ भी आपको मतलब ऐसे हड़बड़ी में नहीं करना है, या फिर आप कह सकते हो कि आपको ना फास्ट नहीं करना है। जितना आप फास्ट करोगे उतना ये मेकअप जो आया मेकअप था वो बिल्ड नहीं होगा, धीरे धीरे करोगे तो उतना ही अच्छा बिल्ड होगा, उतना अच्छा लगेगा। तो आई मेकअप ये टेक्निक होती है। उसके बाद ये पैरट ग्रीन कलर का ये जो कलर है वो मैंने पिक किया है, और एज ए लाइनर हम जहाँ पे लगाते हैं ना वहाँ पे आपको लगाना है और उसे बस आपको ऐसे मर्ज करना है, या फिर आपको उसे बस अच्छे से ब्लेंड करना है। यहाँ पे मैं कुछ ऐसा मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ जो कुछ हटके हो, मतलब हर रोज़ हम एक तरह का ही मेकअप करते हैं तो वो बोर हो जाता है। तो आज मैंने सोचा कि मैं कुछ अच्छा सा हटके मेकअप लुक क्रिएट करती हूँ। तो इस तरह से लाइनर हम जहाँ लगाते हैं ना वहाँ पे लगा कर आपको अच्छे से ब्लेंड करना है, थोड़ा ऊपर तक तो जाएगा ब्लेंडिंग होगा तब। तो उसके बाद आपको नीचे की जो आईज है, नीचे की वाटर लाइन है, वहाँ पे भी आपको ये अच्छे से लगा लेना है वही वाला कलर। तो कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा। आप देख सकते हो मेरे आईज कितने प्यारे लग रहे हैं, कुछ डिफरेंट लुक भी है क्योंकि हम पैलेट ग्रीन कलर हाल ही में नहीं इस्तेमाल करते, हमें डर लगता है कि वो वाला कलर हम इस्तेमाल करते हम अच्छे दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। उसके बाद बारी आती है आईब्रो की, क्योंकि आईब्रोज ऐसे हैं ना कि वो क्रिएट करने ही चाहिए, वो बनाने ही चाहिए, अगर नहीं बना रहे हो ना तो वो लुक जो है ना वो प्रॉपर तरीके से फेल होने वाला है।
उसके बाद हम लगाने वाले हैं काजल। तो यहाँ पे काजल के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इल्ले 18 की ये काजल पेंसिल। तो ये बहुत अच्छी पेंसिल है अगर आप बिगिनर्स हो, अगर आपको मेकअप अभी तक नहीं आता है या फिर रेगुलर यूज़ में आपको काजल पेंसिल चाहिए तो ये आप लगा सकते हो, ये आप ले सकते हो। अंडर 100 रुपीज़ में आती है, तो आपको पॉकेट मनी के ऊपर भी आपकी ये आ सकती है। उसके बाद ये है TNW का जो आईलाइनर मिला था मुझे, कोलैबोरेशन में आया था, हमने आपको पता ही होगा, मैंने शॉर्ट भी शेयर किया है। तो ये वाला TNW का आईलाइनर है, उसे मैंने अच्छे से ड्रॉ किया है, कोई विंग वगैरह नहीं इस्तेमाल की है, कोई नहीं लगाई है, नॉर्मली लगाया है बस, जैसे एक लाइन बस खींचती जानी है क्योंकि उसके ऊपर हमने पैरट ग्रीन कलर लगाया है तो वो नहीं दिखेगा अगर आप ज़्यादा ड्रॉ करोगे, तो छोटी सी लाइन खींच की जानी है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक मस्कारा लेना है आपके पास जो भी हो, वो आपको आपके लैशेस है उन्हें कर्ल कर लेना है। आपके पास अगर लैशेस नहीं है कर्ल करने को तो ठीक है, आप नॉर्मल भी लगा सकते हो। तो मेरे पास ये इन कलर का है, आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, सारे प्रोडक्ट मैं आपको बता देती हूँ कि आपने मेरे सारे प्रोडक्ट बहुत सारे वीडियो में देखे होंगे, तो वो वाला है और आप इसे लगा सकते हो और अपना जो लुक है ना आई मेकअप लुक पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरह से आई मेकअप कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं हमारा जो फेस मेकअप रहा है ना बचा है उसके ऊपर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाने वाली ब्लश, तो ब्लश के लिए और हाइलाइटर के लिए एक ही पैलेट यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो पैलेट है ना वो बहुत अच्छा है, अभी ना मिल भी नहीं रहा है इसका, अगर आपको चाहिए होगा तो कॉमेंट कीजिए, मैं उस प्रॉपर कमेंट में आपको बताऊंगी कि ये पैलेट जो है ना वो कहाँ पे मिलता है, या फिर इसकी जो अलग पैलेट है इसका तरह से भी आता है वो बता दूंगी। तो इस तरह से मैं दो कलर मिक्स करके लगा लेती हूँ और इसी पैलेट्स में से जो हाइलाइटर है ना आप देख सकते हो वो वाला हाइलाइटर कितना ख़त्म हो चुका है, इसकी इतनी ज़्यादा फैन हूँ मैं, लेकिन मुझे ना ये वाला पैलेट मिल भी नहीं रहा है अभी, तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में भी हूँ इसका, मैं अलग जो अल्टरनेटिव ऑप्शन है वो ले लूँ या फिर यही पैलेट ढूंढते रह जाऊँ। तो नहीं मिल रहा है तो मैं भी अल्टरनेटिव लेने वाली हूँ, जब मैं अल्टरनेटिव ले लूँगी ना तो आपको मेरे साथ वो शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ब्लश और हाइलाइटर लगा के ख़त्म कर चुकी हूँ। उसके बाद हम लेने वाले हमारा जो फिक्सिंग स्प्रे होता है, सेटिंग स्प्रे होता है वो वाला। तो सेटिंग स्प्रे इस्तेमाल करने के बाद मैं लगाती मेरी लिपस्टिक, तो ये है TNW की लिपस्टिक जिसका मैंने प्रॉपर ऐसा शॉर्ट्स बनाया है, आपने नहीं देखा होगा तो जाके देखिए, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, उन्होंने सेंड किए थे मुझे। और मैं आपको ऐसे बता सकती हूँ कि ये वाली ऐसी लिपस्टिक है जो मैं 2 दिन से बोल रही थी कि मेरे पास ना इस कलर के लिपस्टिक नहीं है, मुझे ये लुक करना था, लेकिन क्या हुआ 2 दिन बाद मुझे खुद से कोलैबोरेशन के लिए ये जो प्रोडक्ट आई थी ना उसमें से ये लिपस्टिक थी। और मैं इसे देखकर मतलब आप नहीं सोच सकते, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जंप करने लगी थी, जंप मतलब मुझे ना इतना खुशी हुई थी, इतनी खुशी हुई थी कि मैं जंप करने लगी थी। तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये लिपस्टिक, आप से लाकर देख सकते हो, रेगुलर वेयर में बहुत अच्छी है। तो इस तरह से मेरा ये जो मेकअप है वो टर्न आउट हुआ है, और सिंपल सी ज्वेलरी, सिंपल सी साड़ी, सिंपल सा चंद्रकोर लगा के, सिंपल सा बैंगल्स वेयर करके मैंने ये लुक को कंप्लीट किया है। आप भी ये वाला मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो, सिंपल वगैरह साड़ी हो, और हाँ गाइस चंद्रकोर की जो भी हैक है वो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल के ऊपर कि चंद्रकोर पे कैसे लगानी होती है। अगर आपके पास कलरिंग चंद्रकोर नहीं है तो आपको कैसे बनानी है, यहाँ पे पैरट ग्रीन मैंने बनाई है तो वो कैसे बनानी है वो सब कुछ। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किया नहीं है तो केयर लीजिए, किया है तो थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइज, लव यू।